Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new topic, that is electronegativity. इसके पहले हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया था. आज हम एक न्यू प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक गेम जो होता है ना, टग ऑफ वार. बस टग ऑफ वार में क्या करते हैं कि दो तरफ दो एक रस्सी लेते हैं, दो पार्टी होती हैं, दोनों अपने अपने तरफ उसको खींचने की कोशिश करते हैं. जिस तरफ सारे लोग खींच जाते हैं वो हार जाता है, जिस तरफ जो चीज जो खींच लिया जाता है वो जीत जाता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर ये समझ लीजिए कि टग ऑफ वार वाला गेम ही होने वाला है. इसमें जो दो एलिमेंट्स जब यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, तो यदि मान लीजिए कि एक ये एलिमेंट है जिसको हमने ए से डिनोट किया है और दूसरा एक ये एलिमेंट है जिसको हमने बी से डिनोट किया हुआ है. अब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है जिनकी शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग होकर के बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड बना करके आपस में जुड़े हुए हैं. अब मान लीजिए कि जो बी जो है वो ज्यादा ताकतवर है, वो एकदम पहलवान है, गामा पहलवान की तरह है. जैसे गामा पहलवान यदि मान लीजिए कहीं जुड़ जाए किसी टीम में तो वो तो सबको हरा ही देगा. तो वैसे ही यहाँ पर भी मान लीजिए कि ये जो बी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, या उसको हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लवर है, उसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करने का उसकी टेंडेंसी है. तो ये क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनको ये क्या करेगा, थोड़ा अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा. और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें हो गई है हाई, इसलिए इसके ऊपर हो गया है डेल नेगेटिव चार्ज. और उसके जो अपोजिट वाला जो भी एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई है कम, इसलिए वो हो गया है पॉजिटिव. तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाए, खिंच जाए, उसको हम बोलेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उसको हम क्या बोलेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और इसके कंपैरिजन में ये जो है थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, इस वजह से ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. मान लीजिए कि यदि दोनों एकदम इक्वल स्ट्रेंथ वाले हैं तो अब इलेक्ट्रॉन ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, तो जो बॉन्ड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा. इसमें पोलैरिटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी. इसमें क्या हो रहा है, पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से ये रहता तो कोवेलेंट बॉन्ड है पर किस तरीके का हो जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है. पोलैरिटी डेवलप हो जाती और पोलैरिटी डेवलप होने के कारण उसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर भी आ जाता है. तो आयोनिक कैरेक्टर कैसे आता है, कितना आता है, किस तरीके से होता है, उसको अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के और हम समझते हैं कि मान लीजिए HCl है. अब HCl जो है उसमें Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है डेल पॉजिटिव और Cl के ऊपर आ जाता है डेल नेगेटिव चार्ज. और इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है Cl की वो हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में यहाँ पर मेजर कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो कंपैरेटिव वैल्यू है. उसको हम एक एलिमेंट के साथ दूसरे को कंपेयर करके जो है वो यहाँ पर निकालते हैं. इसकी डेफिनेशन पहले हम थोड़ा सा एक बार रीड करके देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज The tendency of a bonded element. ये आपको बहुत ध्यान रखना है, कैसे कौन से वाले एलिमेंट है, ये बॉन्डेड एलिमेंट है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इट्सेल्फ. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर वाले, इनके बीच में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है और आपस में ये शेयरिंग हो रही है. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इसके लिए आपके ऊपर आपको ये क्वेश्चन आता होगा और एक डाउट होता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो फिर ये दो चीजें अलग अलग क्यों पड़ रहे हैं, हम एक ही से काम क्यों नहीं चला रहे. तो इसके लिए मेजर डिफरेंस आप सभी को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम आइसोलेटेड, इस वर्ड का याद रखेंगे, ये कौन सा है, आइसोलेटेड एटम. कैसा एटम रहता है वो, आइसोलेटेड, वो किसी से बॉन्डेड नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, गैसियस है, इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पर आइसोलेटेड एटम और
आइसोलेटेड एटम से, यहाँ पर आइसोलेटेड एटम है और यहाँ से हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इस एटम के अंदर लेकर आ रहे हैं। और निगेटिविटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या हो रहा है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड एलिमेंट है, और बॉन्डेड एलिमेंट के बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो दोनों में हम अच्छे से डिफरेंस ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, बट ये कैसी वैल्यू है, कंपेरेटिव वैल्यू है। एक के कंपेरिजन में हम दूसरे को, एक के एलिमेंट के कंपेरिजन में दूसरे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो हम यहाँ पर मेजर करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये तो कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन में यूनिट लेस होता है ये, बट इसकी एक्चुअल जो है, एक्चुअल वैल्यू होने के कारण इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल, किलो कैलोरी पर मोल जो है इसका, किलो कैलोरी पर मोल जो है इसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसकी यूनिट होती है। तो ये इस तरीके से थोड़ी सी चीजें जो है वो हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स को देख लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम इसको बहुत अच्छे से एकदम ट्रिकफुली हम आपको सिखाते हैं, एक मिनट के अंदर हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, चाहे वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, तीनों में देखिएगा, जब हम यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, दूसरा हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, ये दो चीजों में हम जा रहे हैं। अब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग इनमें जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। देखिएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा जो भी एटम है वो थोड़ा सा साइज में छोटा होता चला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस का चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज बढ़ते हैं, उनकी वैल्यूज बढ़ती है, तो उनमें अट्रैक्शन होने के कारण वो क्या करते हैं, एटॉमिक साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ये यहाँ पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और उसका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कोई भी किसी भी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि छोटा है साइज तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, ज्यादा पड़ने के कारण वो इजीली और बिल्कुल बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप नोट्स में बना लीजिएगा तो आपको पूरा दिमाग में रहेंगे और फिर एग्जाम के समय हम उसको इलेबोरेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो पूरा आपका डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज पे। तो एटॉमिक साइज छोटी हो रही है इस वजह से प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा पड़ेगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और उसी चीज को अपन टॉप टू बॉटम जाए तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है कि साइज कैसी होती जा रही, बड़ी, क्यों, क्योंकि इनर शेल इसमें बढ़ते चले जाते हैं, इनर शेल इसमें बढ़ते चले जाते हैं, इनर शेल बढ़ने के कारण इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर कम होता चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अट्रैक्शन को बाहर तक जाने नहीं दे रहा, बाहर तक जाने नहीं दे रहा, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीजें जो है, ये दोनों चीजें आप बिल्कुल, चाहे किसी भी प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, तीनों में ट्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से चलता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम आने पर वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं, ये लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम आने पर वैल्यू कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो ये इस तरीके से आप अपने नोट्स पे बना लीजिए और बाद में फिर जो है जब एग्जाम में आप उसको इलेबोरेट करके अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की तरफ।
अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा बनेगा और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी करूंगी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कम समय में आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग को देखते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है एटॉमिक साइज। इसके पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि यदि एटॉमिक साइज की वैल्यू यदि लो होती है, छोटा हो जाता है यदि मान लीजिए एटम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम एक सिंबल से शो करते हैं, इट इज साई, इट इज साई। तो साई जो है वो उससे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शो कर रहे हैं। तो मींस यहाँ पर एटॉमिक साइज कम है, मींस साई यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको हम जेड स्टार से शो करते हैं, और उसको जो है जेड माइनस एस, जेड स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो एक्चुअल एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा जेड स्टार की वैल्यू हाई होगी, यदि हम जेड स्टार की वैल्यू जो है वो अगर हाई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो Z जो है, Z यदि मान लीजिए Z स्टार यदि हाई है, तो साई की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये इसमें रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट की जहाँ अपन बात करते हैं, तो हमने आपने पढ़ा होगा कि कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। एक इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाते हैं तो निगेटिव तो रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू यदि इंक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना। इसके बाद है नंबर ऑफ इनर शेल। अब इनर शेल की जो बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा था कि मान लीजिए ये आपका एटम है। अब एटम में यहाँ पर एक इनर शेल है, दूसरी इनर शेल है, तीसरी इनर शेल है। अब इनर शेल जो है वो नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ती चली जा रही। अब नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ रही है और यहाँ पर एक बोलना चाहिए स्क्रीन लग गई, यहाँ पर ऐसा स्क्रीन लग गई, तो स्क्रीन लग गई है, एक पर्दे लग गए हैं, तो क्या ये जो इसकी पॉजिटिविटी है, जो इसका अट्रैक्शन है, वो क्या बाहर के इलेक्ट्रॉन पे पड़ पाएगा, वो नहीं पड़ पाएगा। तो जितने ज्यादा इनर शेल होंगे, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो उतना ही कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर कट कर लेना कॉन्सेप्ट को, कि हमको यहाँ पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, उसका अट्रैक्शन फोर्स, बाहर वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर पड़ पाएगा या नहीं पड़ पाएगा। यदि साइज छोटी है तो जल्दी पड़ जाएगा, साइज बढ़ेगी तो नहीं पड़ पाएगा। तो साइज कैसे बढ़ जाती है, इनर शेल बढ़ जाते हैं, इनर शेल बढ़ गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गए, तो उसके कारण उसकी साइज बढ़ जाती, साइज बढ़ी मतलब अट्रैक्शन फोर्स बाहर तक नहीं जा पा रहा, नहीं जा पा रहा मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है चार्ज ऑन द एटम। अब एटम के चार्ज की बात करें, तो यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर आयंस बनते हैं, एक कैटायंस बनते हैं और एक एनायंस बनते हैं। अब यहाँ पर जब एटम के ऊपर यदि मान लीजिए कोई भी एक एटम है और उसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो क्या हो जाएगा, कैटायन की तरह बिहेव करेगा, और कैटायन की साइज हमेशा कैसी होती है, थोड़ी सी रिड्यूस होती है। एक्चुअल एटम से कैटायन की साइज रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उससे बाहर निकलते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और दूसरी जगह पर यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई भी एनायन है, तो एनायन की साइज थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैटायन अपने अपना जो एटम के कोरस्पोंडेंस में छोटी हो जाती है साइज, और एनायन की साइज कैसी हो जाती है, बढ़ जाती। अब अपन फिर देख लेंगे साइज से उसको हम कोरिलेट करते हैं, कैटायन की साइज छोटी है मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हाई हो जाएगी। इसकी साइज फिर बड़ी है
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या सी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइज से ही पूरा पूरे आपके फैक्टर अफेक्टिंग साइज पर डिपेंड करेंगे। सिर्फ साइज को दिमाग में रखना कि छोटी है साइज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई हो जाएगी, और यदि बड़ी है साइज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद एक और अच्छा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आप लोगों ने डिस्कस करे होंगे, तो इसमें एसपी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एसपी टू टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एसपी थ्री टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, कई तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पड़े। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि यदि मान लीजिए एस का परसेंटेज जिसमें जिस भी हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साई की वैल्यू भी कैसी होगी, हाई होगी। मतलब क्या कि एस और पी है तो इसमें एस भी 50% है और पी भी 50% है, तो यहाँ पर एस जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहाँ पर टू पार्ट पी के हैं और एक पार्ट एस का है, मतलब यहाँ पर इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी कम होगी। और यहाँ पर sp3 है, इसमें थ्री पार्ट p के हैं, वन पार्ट s का है, मतलब 75% यदि p है तो 25% s है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि और कम हो गया। तो यदि मान लीजिए s का परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल यदि इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है तो साई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ इस तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग है, इनको आप आंसर में मेंशन करिए तो आंसर बहुत अच्छा बने। अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है एटॉमिक साइज यदि छोटा हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या अंतर आएगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पर दीजिएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।